नमस्कार सभी को। और बहुत से फैंस हैं जो आई लीग को मिस कर रहे थे। कोविड की वजह से आई लीग का बेड़ा गर्क हो चुका था, बंद हो गई थी आई लीग। तो भाई एक खुशी की बात कि 3 मार्च से आई लीग फिर से रीस्टार्ट हो रही है और इसका पहला मैच श्रीनिधि डेक्कन वर्सेस ट्राउ एफसी का है। तो बहुत से हमारे इंडियन फुटबॉल फैंस हैं जिनके कई फेवरेट क्लब्स इस आई लीग में खेल रहे हैं, तो उनके लिए तो भाई खुशी की बात है कि अब वो फिर से अपने फेवरेट क्लब्स को खेलते हुए देखना चाहेंगे। तो अभी आई लीग के जो लीग मैचेस है वो 19 अप्रैल तक हो गए और फिर उसके बाद उसका सेकंड फेज स्टार्ट होगा जिसमें रेलिगेशन के लिए टीम्स खेलेगी एंड चैंपियन बनने के लिए टीम खेलेगी, तो वो 19 अप्रैल के बाद होगा। तो चलिए ये तो हो गई आई लीग की खबर कि भाई आई लीग फिर से रिस्टार्ट हो रहा है। लेकिन मेन बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारे यंग प्लेयर्स शायद इस वीडियो को देख रहे हो, कि भाई आई लीग देखना बहुत ज़रूरी है ना। आप ISL देखें, आप यूरोपियन लीग देखें, बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन आई लीग एंड सेकेंड डिवीजन आई लीग को कभी भी आप देखना ना भूलिए। क्योंकि जो स्टार्ट है, अगर आप भी अपनी लाइफ में प्रोफेशनल प्लेयर बन रहे होंगे या बनने का सपना जो भी आपका, तो आपको स्टार्ट तो यहीं से करना है, आई लीग या सेकेंड डिवीजन आई लीग से, उसके बाद ही आप ISL में जाओगे। तो इन लीग्स को देखने से आप ज़्यादा गेम को समझेंगे, है ना, मतलब इंडियन फुटबॉल को, क्योंकि आपको भी आपके करियर की जो शुरुआत है वो कहाँ से होगी, या तो सेकेंड डिवीजन से या आई लीग से होगी। उसके बाद आप अच्छा वहाँ परफॉर्म करोगे तब आप ISL में जाओगे, है ना। डायरेक्ट तो ISL में जाओगे नहीं, है ना। आप जितने प्लेयर्स देख लीजिए ISL में क्या होते हैं, एकदम प्लेयर जो बन चुका है ना, फैक्ट्री में प्रोडक्ट तैयार हो गया आई लीग की, वहाँ से निकल के अब वो जाएगा कहाँ, ISL में। लेकिन आई लीग में आते हैं रॉ टैलेंट्स, है ना, जिनको बनना है ना, वहाँ पे प्लेयर को बनाया जाता है, तराशा जाता है। तो आई लीग देखने से आपको अंदाज़ा आएगा कि प्लेयर्स की क्या क्वालिटी चल रही है अभी ग्राउंड लेवल पे, ये सब चीज़ें आपको आई लीग देखने से ही पता चल पाएगा, है ना। और उसी के हिसाब से आप ट्रायल्स के लिए भी प्रिपरेशन कर पाएंगे, जैसे सेकंड डिवीजन क्लब की ट्रायल आ गई, है ना, तो आप उसके लिए प्रिपेयर हो पाएंगे। अब ISL क्या है, लर्निंग के लिए ठीक है, बहुत अच्छा है, आपके फेवरेट प्लेयर भी ISL में ही खेल रहे हैं, तो उसको देखना भी ज़रूरी है। और आई लीग में भी आप आपके फेवरेट टीम के मैच देखते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप एक यंग प्लेयर हैं, है ना, यूथ प्लेयर, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इंडियन एरोस के मैच तो ज़रूर देखिए। और क्यों देखिए, क्योंकि उसमें आपको आपके ही एज के प्लेयर खेलते दिखेंगे, तो उससे आपको आगे क्या करना है, आपको कैसा आपका गेम बढ़ाना है, कैसे आपको ग्रो करना है, कैसे आपको डेवलप होना है, इसका अंदाज़ा लगेगा, है ना। तो इंडियन एरोस के मैच तो ज़रूर देखिए, क्योंकि इंडियन एरोस से ही लल्लंग माविया भाई बने हैं, है ना, वहीं से विक्रम प्रताप भाई बने हैं। तो टैलेंट जो बड़े बड़े आपको ISL में देखने को मिलने वाले फ्यूचर में, वो बन तो अल्टीमेटली कहाँ से रहे, इंडियन एरोस से, है ना, आई लीग से ही बन रहे हैं ना, मतलब आई लीग के प्लेयर्स साइन हो रहे ISL में, तो रॉ टैलेंट जा रहा है बन के ISL में, तो इसलिए आई लीग देखिए। तो बस मैं यही कहना चाहता था आज के वीडियो में। इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।